और रुक करते सीधे गुजरात के साबरमती में, जहां पर पीएम मोदी पहुंचे हुए हैं। साबरमती रिवर फ्रंट के आसपास आप देखिए, सी प्लेन से पीएम मोदी पहुंच चुके हैं और अच्छी खासी भीड़ भी यहां पर मौजूद है बड़ी संख्या में। ये देखिए, ये सी प्लेन यानी कि ऐसा प्लेन जो कि नदी पर चलता हो, और ये तस्वीर आप देखिए मोदी लोगों का अभिवादन करते हुए। तो अब से सिर्फ एक घंटा रह गया है चुनाव प्रचार का, और तस्वीर आप देखिए साबरमती की तस्वीर है, साबरमती रिवर फ्रंट की। सी प्लेन से पीएम मोदी पहुंचे हुए हैं और दूसरा चरण का चुनाव प्रचार अब से एक घंटे के बाद थम जाएगा। और इस आखिरी एक घंटे में दोनों ही दलों बीजेपी और कांग्रेस के बिल्कुल टाइट शेड्यूल में कार्यक्रम तय हैं, और आखिरी वक्त में पूरी जान फूंकते हुए पीएम मोदी चुनाव में 14 दिसंबर को वोटिंग होगी, और किसमें कितना है दम आज के लिए ये बात बिल्कुल सटीक, और परिणाम 18 दिसंबर को। तस्वीर आपको गुजरात के साबरमती से दिखा रहे हैं, जहां सी प्लेन से पीएम मोदी पहुंचे साबरमती रिवर फ्रंट, और सुरक्षा का घेरा पीएम मोदी के इर्द-गिर्द जी की दुकान। और ये देखिए आप पीएम मोदी और साथ में बीजेपी के कुछ नेता। तो गुजरात के साबरमती से तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, ये सीधी तस्वीरें हैं, और फोटो सेशन होता हुआ साबरमती में। ये देखिए आप गुजरात के साबरमती की तस्वीर है, लोग ऊपर से इकट्ठा हुए हैं और देख रहे हैं पीएम मोदी को। पीएम मोदी ने भी हाथ हिलाकर अभिवादन किया। दूसरा चरण का चुनाव प्रचार अब से 58 मिनट बाद थम जाएगा, और इस आखिरी लगभग एक घंटे में जान फूंकते हुए पूरी ताकत झोंकते हुए पीएम मोदी गुजरात का रण है, और अब जनता की बारी है 14 दिसंबर को, परिणाम 18 दिसंबर को। पीएम मोदी अब रवाना होते हुए यहां से, ये तस्वीर आपको साबरमती की दिखा रहे हैं। तस्वीर साबरमती की पीएम मोदी यहां से रवाना होते हुए, दूसरा चरण का चुनाव प्रचार एक घंटे बाद थम रहा है। सी प्लेन से यहां पहुंचे हुए थे पीएम मोदी, ये आकर्षण का केंद्र रहा, और सी प्लेन आपको बता दें कि पानी पर चलने वाला जहाज होता है, जो कि प्लेन नुमा होता है, इसलिए इसे सी प्लेन कहा जाता है। और तस्वीर साबरमती की, लोगों की भीड़, मीडिया का जमा बड़ा लगा हुआ है, और ये शायद पीएम मोदी यहां पर रुक गए हैं। साबरमती की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, लोगों की भीड़ है, लोग मिलना चाहते हैं पीएम मोदी से, और पीएम मोदी ने भी हाथ लाकर सबका अभिवादन किया। गुजरात के साबरमती से ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। दूसरा चरण का चुनाव प्रचार का आखिरी दौर है, 5 बजे चुनाव प्रचार थम जाएगा, 14 दिसंबर को वोटिंग होगी, 92 सीटों के लिए ये वोटिंग की जाएगी। और बेहद दिलचस्प रहा इस बार का गुजरात चुनाव, हालांकि परिणाम जो भी हो वो 18 दिसंबर को सामने आएंगे, लेकिन इस गुजरात के चुनाव में इस बार विकास, बयानबाजी, नीच, पाकिस्तान, मंदिर, सब कुछ देखने को मिला, सब तरह की बयानबाजी हुई। राहुल गांधी भी एक नए कलेवर में इस बार उभर कर सामने आए, कांग्रेस की कमान भी उनको दी गई, अध्यक्ष चुने गए, अध्यक्ष बनाए गए, ताजपोशी 14 तारीख को होगी। और इस बीच गुजरात चुनाव अपने आखिरी दौर में, अब से
लगभग एक घंटे बाद चुनाव प्रचार का शोर थम जाएगा और उसके बाद कल का दिन बीच में और परसों वोटिंग होगी। वोटिंग के बाद ये दौरों का दौर समाप्त हो जाएगा। ये सी प्लेन खड़ा हुआ है, इस सी प्लेन में बैठकर ही पीएम मोदी यहाँ पहुंचे और साबरमती रिवर फ्रंट की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, साबरमती की तस्वीर है। इसी सी प्लेन में बैठकर पीएम मोदी यहाँ पहुंचे थे और यहाँ से रवाना हो गए। तो आखिरी चरण में, आखिरी दौर में ये तस्वीरें देखने को मिली। तो तस्वीर आप देखिए किस तरह से लोगों का अभिवादन स्वीकारते हुए पीएम मोदी सी प्लेन की तस्वीर, सी प्लेन से साबरमती रिवर फ्रंट पहुंचे हुए थे और इस बीच काफी आकर्षण का केंद्र रहा सी प्लेन। ये देखिए गुजरात में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनाव के अंतिम दौर में, प्रचार के अंतिम दौर में पूरी ताकत झोंकते हुए। अब चुनाव प्रचार थम जाएगा लगभग एक घंटे के बाद और उसके बाद सारे जिस तरह की बयानबाजी और जिस तरह के प्रश्नों का दौर, जवाबों का दौर, आरोप प्रत्यारोप का दौर, ये सब कुछ थम जाएगा। अब बारी रहेगी जनता की और उसके बाद जनता ने किसको स्वीकार किया, जनता को कौन पसंद आया, ये 18 दिसंबर तय करेगा।